9 वर्ष की बच्ची के साथ जिस तरीके से रेप की घटना हुई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बच्ची का जो परिवार है वो शोकाकुल है। आप बच्ची की माँ की हाल देख सकती है कि वो बात करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, और वो आप देख सकती है कि रो रो के उनका बुरा हाल है। परिवार के और भी लोग यहाँ पर है, और जिस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सभी न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद परिवार अपनी बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहा है। मम्मी आप देख सकती हैं उनकी कि यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिनसे बात भी नहीं की जा रही, उनकी तबीयत भी खराब है। हम उनसे भी आशा, बस आंटी एक चीज बताइए कि क्या हुआ था? बेटी मेरी 5:30 बजे सही थी, 5:30 बजे मेरी बेटी सही थी, पापा गए सब्जी लेवे, मैं घर आ गई थी। सब्जी लेवे आ गए थे, पापा भी इसके गए थे, मैं अपने घर आ गई थी। क्या पुलिस वालों ने मदद नहीं की आपकी? बिना बताए बच्ची का शव संस्कार कर दिया गया। पंडित जी ने सब कर दिया, इसने मौको 16 नंबर पे कॉल भी नहीं करा दिया मेरी बच्ची का। बेटी के मैं घर आ गई थी, वे चले गए सब्जी लेवे 5:30 बजे पीछे तक सही हती बुआ का चुनाव बा। पंडित जी ने क्या कहा आपसे? तो हमारे समाज घर आया था, देख भी नहीं था, समाज से पूछी लड़की की माँ कहाँ, लड़की की माँ कहाँ, तो बिन कही पीर बाबा पे है माँ, इसकी माँ तो पीर बाबा पे रहती, घर नहीं रहती है। फिर मैं दरगाह बटाड़ी थी तो कह रहा हूँ, एक भैया तो बोले कि तब उठाड़ी इसकी माँ ने लाल सूट पहन रखो, मैं गई थी, मैं बुलवाई थी कि तुमने पंडित जी बुला रहे हैं, पंडित जी बुला रहे हैं, मैंने कहा क्यों, कि मुझे नहीं पता माँ बुला रहे, मैं गई थी जल्दी जल्दी जाके, तो पंडित जी बोले तेरी लड़की खत्म हो गई। मैंने कहा मेरी बच्चा कैसे खत्म हो गई, मेरी बच्चा कैसे खत्म हो गई, तो झूठ बोला पंडित जी के करंट ने पकड़ लिया। अच्छा, पंडित जी ने कहा कि करंट नहीं लगा थी, तो आपने देखा बॉडी को देखा कि करंट ने पकड़ ली? मैंने कहा करंट ने ऐसे कैसे पकड़ ली बेटी, पानी ले पीवे दुनिया जाती, दुनिया आती तो करंट।